चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है एक बार फिर से नई अपडेट के साथ। नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले राजकीय आयुर्विज्ञान संस्था दिल्ली की ये भर्ती रहने वाली है। स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकली है। GIM ग्रेटर नोएडा का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। GIMS का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। उससे पहले हमने शॉर्ट जो नोटिफिकेशन आया था उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। आज अब फुल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। 9-10 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्म कैसे भरेंगे, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, GNMBSC नर्सिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, सारी कुछ जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो राजकीय आयुर्विज्ञान संस्था की ये भर्ती होने वाली है। GIMS की ये भर्ती रहने वाली है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस GIMS की ये भर्ती रहने वाली है। 9-10 को इसका फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया था। उससे पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। ये इसकी विज्ञापन संख्या है। GIMS ग्रेटर नोएडा में स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती होने वाली है। स्टाफ नर्स रिक्वायरमेंट फॉर GIMS ग्रेटर नोएडा की ये भर्ती होने वाली है। विस्तृत विज्ञापन है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, ऑनलाइन माध्यम से CBT परीक्षा। तो आपका इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT परीक्षा होगी, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है। ऑनलाइन आवेदन पत्र लिंक 48 घंटे में खुलना संभव है। संस्था की वेबसाइट, तो इसका जो वेबसाइट है आप अवलोकन करते रहे। समय समय पर फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी इच्छुक अभ्यर्थी है वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दे रखी है, उस पर जाके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्था ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन एक स्वशासित संस्था है। संस्था में नर्सिंग स्वयं स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती चयन प्रक्रिया को राज्य सरकार नियमावली। तो साथियों UP की ये भर्ती रहने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये भर्ती रहने वाली है। समय समय पर कोई भी आदेश आते हैं तो वो वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं। तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा 2023 के अंतर्गत स्टाफ नर्स पद के ऑनलाइन आवेदन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से चयन किया जाएगा। भारत के नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो ऑल इंडिया ये भर्ती रहने वाली है, जिनकी अनारक्षित आरक्षित अनिवार्य व्यक्तियों का विवरण अलग से दिया गया है। तो इसमें ऑल इंडिया ये भर्ती होने वाली है। इस अवधि में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, वार्षिकदारी जारी, फोटो ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड कोई भी हो वो आपको भरना है। और जो पेपर होगा वो अंग्रेजी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। परीक्षा पैटर्न है। स्टाफ नर्स के पद के लिए ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। 100 अंक का एग्जाम होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चन होंगे। और 80% आपके जो थ्योरी ऑफ नर्सिंग है, जो नर्सिंग से रिलेटेड है, 80% क्वेश्चन उसके होंगे। 20% आपके जो नर्सिंग प्रोफेशन में आपने जो कार्य किया है, आपका व्यवहारिक ज्ञान क्या है उसमें होंगे। और 10% कोविड से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। सिलेबस संलग्न अनुसार होगा और नकारात्मक अंक नहीं होगा। तो दोस्तों पहली बार इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इच्छुक अभ्यर्थी जरूर फॉर्म भरें। परीक्षा की भाषा दोनों भाषा में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। और अगर किसी अभ्यर्थी के सेम परसेंटेज हो जाते हैं तो जिसकी जन्मतिथि ज़्यादा होगी, अगर दोनों की जन्मतिथि अगर सबसे पहले जन्मतिथि जिसकी ज़्यादा होगी तो उसको सबसे पहले लिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन है वो फॉर्म मांगे गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 5 भागों में होगी। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म के शेष विवरण का भरना है, डिटेल भरनी है, उसके बाद फोटो है साइन व दस्तावेज अपलोड करने हैं, उसके बाद फीस का भुगतान करना है, उसके बाद आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है। तो ये प्रोसेस रहेगा फॉर्म भरने का। और अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त विवरण की प्रक्रिया को एक बार पूर्ण कर सकते हैं।
और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसकी आयु रहेगी। 21 से 40 वर्ष वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए भर्ती होने वाली है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है नर्सिंग एम से, तो उसमें मिल जाएगा, तो वो जाके आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती हर अपडेट के लिए नर्सिंग एम सदा तत्पर है। तो स्टाफ नर्स के एससी के इसमें 21% रिजर्वेशन है, 54 पोस्ट रहेगी। एसटी की इसमें 5 पोस्ट रहेगी। और ओबीसी की इसमें 27% रिजर्वेशन है, 69 पोस्ट रहेगी। ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन है तो 25 पोस्ट रहेगी। जनरल की 102 पोस्ट रहने वाली है, तो कुल 255 पदों पे ये भर्ती होने वाली है। ठीक है साथियों, तो ये पदों का विवरण है कैटेगरी वाइज। और वेतन के बारे में बात करें तो लेवल है आपका 7 रहेगा, और सैलरी आपकी 44,900 से 1,42,400 तक रहने वाली है। तो ये आपकी सैलरी रहेगी, लेवल 7 रहेगा, 255 पे ये भर्ती होने वाली है। और ये अलग अलग सबके पद दे रखे हैं। महिला कैंडिडेट का इसमें 20% रिजर्वेशन है, तो और दिव्यांग के लिए 4% है, तो 51 सीट है वो महिला की है। और दिव्यांग की इसमें 10 सीट है, एक्सेप्शन इसमें 12 सीट रखी गई है। स्वतंत्रता सेनानी की इसमें 5% रखी गई है, 2% रखी गई है भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%। तो ये सीटों का रिजर्वेशन है। और पदों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। कोई भी समस्या होता है हेल्प डेस्क बॉक्स ईमेल आईडी और फोन नंबर से आप संस्था में संपर्क कर सकते हैं। बात करें फीस क्राइटेरिया की, तो जनरल व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 2,000 रुपये फीस लगेगी, और 360 रुपये आपकी जीएसटी लगेगी। तो 2,360 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। और फीस है वो किस वापस रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1,500 रुपये फीस रखी गई है, 270 रुपये जीएसटी लगेगी, 1,770 रुपये फीस रखी गई है। तो एससी एसटी वालों के लिए 1,770 रुपये, और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2,360 रुपये। जो पीएच है उनके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं है। ठीक है साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अपने मित्रों के साथ भी यह इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो 21 से 40 वर्ष की आयु रहेगी, और आयु की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। और आयु में छूट रूल्स के अनुसार मिलेगी। बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो इसमें छात्र नर्स जिनके पास राज्य सरकार चिकित्सा फैकल्टी अथवा इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त बीएससी नर्सिंग 4 वर्षीय या डिग्री, अथवा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी 2 वर्षीय, या संयुक्त पर नर्स अथवा दात्रा परिषद रजिस्ट्रेशन की योग्यता, शल्य कर्म नर्सिंग जीएनएम का डिप्लोमा हो, रजिस्टर कम से कम 50 का। तो जीएनएम वालों को इसमें बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जीएनएम वालों के लिए इसमें 50 क्रेडिट का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है 2 वर्ष का, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम जीएनएम वाले कैंडिडेट ध्यान के, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है उनको 50 क्रेडिट हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है 2 साल का, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो वो इस भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। केवल बीएससी पोस्ट बीएससी वालों के लिए किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो आप देख लीजिए दोस्तों। तो अब चलते हैं आगे की क्या इन्फॉर्मेशन है सिलेबस। तो ये टेलीग्राम चैनल बना रखा है हमने, टेलीग्राम पर सारी अपडेट है वो हमने डाल दी है। तो ये सिलेबस है हमने डाल दिया है, और जो पूरा पीडीएफ आया है वो हमने डाल दिया है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो सिलेबस ऑफ एग्जाम बेसिक साइंस, तो बेसिक साइंस से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आने वाले हैं न्यूट्रिशन डाइट से आपके क्वेश्चन आएंगे, फिर साइकोलॉजिकली मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्री से आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें फंडामेंटल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे, मेडिकल एंड सर्जिकल से आपके क्वेश्चन आएंगे इसमें,
और दोस्तों एक अच्छी बात है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है और ज़रा भी स्ट्रेस नहीं लेना है। पीडियाट्रिक के भी क्वेश्चन आएंगे और ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चन आएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एजुकेशन एंड ट्रेंड ऑफ नर्सिंग के क्वेश्चन, नर्सिंग मैनेजमेंट और COVID-19 इन्फेक्शन इंक्लूडिंग कोर एरिया विद आर रिकमेंडेड बिलो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिलेटेड टू अबो मेंशन सलेबस। तो ये सलेबस है, तो साथियों ये सलेबस दे रखा है JIMS की, ये भर्ती रहने वाली है, 255 पदों पर। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, 21 से 40 वर्ष इसकी एज रहेगी और फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। जनरल OBC AWS वालों के 2360 और 360 GST लगेगी, तो 2360 रुपये फीस है और SC ST वालों के लिए 1770 रुपये फीस रखी गई है। तो ये जानकारी थी, जो फुल नोटिफिकेशन है JIMS का जारी हो चुका है। तो ऐसी PRC अपडेट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।